जनवरी 2018 में हुई दुर्घटना के मामले में गिरफ्तार हुआ आरोपी जमानत मिलने के बाद पुनः अदालत में पेश नहीं हुआ, जिसे भगोड़ा घोषित किया गया था। भगोड़ा पकड़ो प्रकोष्ठ पुलिस टीम ने ITI चौक करनाल से 2 माह बाद उसे गिरफ्तार करने में कामयाबी ली है। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जनवरी 2018 में लाडवा थाना के अंतर्गत एरिया में दुर्घटना हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी संजय पुत्र कृष्णचंद निवासी कुंजपुरा जिला करनाल को गिरफ्तार किया था। अदालत से जमानत मिलने के पश्चात पुणे तारीखों पर वह पेश नहीं हुआ। इस आरोपी को JMIC तरुण चौधरी की अदालत ने काफी इंतजार बाद बीती 16 अप्रैल 2021 को भगोड़ा घोषित कर दिया था। आरोपी को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस को अवगत करवाया गया था। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग के निर्देश पर अपराध शाखा एक प्रभारी जसपाल सिंह ढिल्लो, जो कि भगोड़ा पकड़ो प्रकोष्ठ सेल भी देख रहे हैं, अनेकों मामलों में नामजद भगोड़े आरोपियों को गिरफ्त में लेने के लिए पुलिस की छापामारी चल रही है। इसी के चलते इंस्पेक्टर जसपाल सिंह ढिल्लो की देखरेख में हेड कांस्टेबल सिंगारा राम रामपाल की टीम गठित कर दुर्घटना के मामले में अदालत से घोषित भगोड़े आरोपी संजय को गिरफ्त में लेने के लिए जांच सौंपी थी। भगोड़ा सेल के इन कर्मियों ने करनाल के विभिन्न स्थानों पर छापामारी करते हुए सुराग लगाया कि भगोड़ा घोषित आरोपी संजय ITI चौक करनाल के पास मौजूद है। पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी करके भगोड़े आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ लाडवा थाना में केस दर्ज किया गया। भगोड़ा सेल की ये टीम विभिन्न थानों के अंतर्गत अब तक 10 भगोड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्त में आए आरोपी संजय को अदालत में पेश किया गया, जिसे जेल भेज दिया गया है। खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश भारद्वाज की रिपोर्ट।